हाँ जी, अस्सलामुअलैकुम। खोदा खोदा पहाड़ से निकला चूहा। ते एक बंदे ने आज इतराज की थे, कहते सर जी ये चीता है शेर नहीं हैगा। मैं आखा चीता है या शेर है देख ले, गौर नाल देख ले, चीता भी है ते शेर भी है, जो मर्जी समझ लो, निशानी है मुस्लिम लीग नून दी। ठीक है सर। अच्छा जी, खोदा पहाड़ ते निकला चूहा ते ओ भी मरिया होया। ठीक है। एक बंदा मैनू कहंदा ऐसा है, मैं टाइट जदों पाना, कहंदा सर जी तुसी एक्सरसाइज करदे हो। मैं आखा बिल्कुल करना। ए मैं दिखाया, मैं आखा बिल्कुल करना। ए देखो ए उत्ते हो रहा है, ए हो रहा है, उत्ते हो रहा है सारा। एक्सरसाइज तो लाजमी है सर जी, लाजमी। इमरान खान ही जेल च एक्सरसाइज करता है, लाजमी। अच्छा जी, खोदा पहाड़ निकला चूहा, 8 रुपए पेट्रोल सस्ता होया ते 11 रुपए डीजल, ते इसे निगरान हुकूमत ने कितना महंगा किया है, 58 रुपए, 58 रुपीज। ओ 8 इन्होंने घटाया है। हम देखो इन्हों शर्म नहीं आती, यकीन करो नहीं आती शर्म, इन्हों नहीं शर्म आती बिल्कुल। ए बिल्कुल ही बेशर्म लोग ने, वाकई इन्हों कोई एहसास नहीं है कि गरीब आवाम की करे। ठीक है। तो ये सूरत हाल है, हम आपसे बड़ी सियासी बातें करेंगे। तो ये चूंकि घूमती चाय है और आज हम इसमें मजे मजे की बातें करेंगे, ये लाइट प्रोग्राम है, आपने टेंशन नहीं लेनी ना टेंशन देनी है। ठीक है, ना टेंशन लेनी है ना देनी है। आज सैटरडे नाइट है, जागने की रात है, सुना है तेरी महफिल में जग रहता है। मैं आपको आज एक गजल भी अपनी सुनाऊंगा, क्योंकि मुझे ये आलमी मुशायरे में मैंने शिरकत की है, आलमी मुशायरे में, तो वहाँ मैनचेस्टर में, तो वहाँ मुझे ये जनाब मिला है सर्टिफिकेट, ये फ्रेम है पूरा, उन्होंने फ्रेम करके सर्टिफिकेट दिया है। इसलिए थोड़ा बहुत हम आपको कभी हफ्ते वाले दिन थोड़ी शायरी भी सुना दिया करेंगे, जो बाज़ौक लोग हैं वो खुश होंगे, नहीं तो स्किप कर जाएंगे, कोई गाल नहीं। अच्छा जी, आज जिन दोस्तों का मैं नाम लेना चाहता हूँ, किसी ने फरमाइश की है, किसी ने नहीं की, किसी का मैं अपने पास से ले लेता हूँ, ये सब मेरी मर्जी है सर जी, मेरी मर्जी। और की कहते हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। राणा नसीर हंजरवाल लाहौर से, टोंके वाली गली वाले जनाब, वो हर हफ्ते मैसेज कर दे रहे कि जनाब मेरा हफ्ते वाले दिन सलाम। सबको, कानूनी टीवी वालों को सलाम होता है, मुझे नहीं होता, कानूनी टीवी वालों को सलाम। अल्ताफ अंजम साहब प्रोग्राम बहुत पसंद करते हैं, कहते सर जी थोड़ा बहुत असी प्रोग्राम पसंद करने, सानू बहुत मजा आता है, खाली ये कोई सियासी नहीं होती, होर भी सानू गलों का मजा आता है। मजहर हुसैन सऊदीया से, उन्होंने गुजरांवाला आए हुए हैं सऊदीया से, वो कह रहे हैं जी आपके लिए हमने शर्ट लाए हैं, खजूर लाए हैं, पता नहीं एक और चीज़ भी बता रहे थे, तो उनकी मेहरबानी। तो मैंने कहा जी आके मिले ना, फिर मेरे साथ खाना खाएं। कहते जी खाना खाने का टाइम नहीं, तुसी एड्रेस दसो, असी तुहानू पोस्ट कर देंगे। तो मजर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपका शुक्रिया, ये खुशबू लगा के, ये हाँ जी खुशबू लगा के। ठीक है सर जी। उसके बाद जफर अवान बोस्टन अमेरिका से, वो आए हुए हैं, उनको मैंने खाने की दावत दी है, वो मेरे बरादरी भी है और थोड़े से रिलेटिव भी बन जाएंगे, अगर मैं जिस तरह बट्टा दिया नानियां नहीं मिलदियाँ, अवाना दिया नानियां भी मिल जाती ने। तो जफर अवान बोस्टन अमेरिका से आए हुए हैं। नसीम आसिफ साहब ने हमें जनाब फ़ोन किया है, साबर हुसैन सिद्दीकी साहब को सलाम, मैडम फिरदौस वो जनाब हमें सलाम कर रही हैं यूके से, यूके से। ठीक है जी, मैडम फरदौस साहब आपका भी शुक्रिया, आपने फ़ोन किया। शौकत साहब लकी मरवत से जी, मरवत का तो ना ही ना लवो ना सर जी, शौकत साहब तुसी ते ग्रेट हो, लेकिन वो मरवत जेड़ा मरिया होया उदो थोड़ा जा अगू मैं उधर जिक्र करना है कि असल वो की चीज़ है, एक बंदे ने दसिया मैं फिर तुम दसना। अच्छा जी, नूर अहमद कुरैशी साहब फ़ोन कर रहे थे हारूनाबाद से, हम नहीं सुन सके, माजरत और सलाम। डॉक्टर मुनीर अहमद बडानी साहब, इनका एक चैनल है हर्बल वे, अशोबे चशम, डेंगी और ये जितने सारी चीज़ें हैं ना वो उसके ऊपर बयान करते हैं, तो आप वो उनका चैनल सब्सक्राइब करें, हर्बल वे,
वो मेडिसिन की चीज़ें बताते हैं डॉक्टर मुनीर साहब, ठीक है जी। तो मुनव्वर हुसैन साहब को सलाम पेश करते हैं, शबाज सरवर साहब को सलाम, सऊदी अरब से जनाब उन्होंने सलाम भेजा है, ठीक है। और इसके अलावा थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि न्यूयॉर्क पानी च डूबे पे है सर। न्यूयॉर्क में इतनी ज़्यादा बारिश हुई है कि वो लग रहा था कि लाहौर है या कराची है, पूरी पूरी गड्डियाँ एडे एडे तक डूबी हुई हैं। वहाँ के जनाब मेयर ने कह दिया है कि घरों बाहर ना निकलो, बारिशें बहुत हुई। अल्लाह ताला सबको खैर व आफियत में रखे, सबको, और जो हमारे दोस्त हैं उनके लिए भी खैर व आफियत है सबके लिए, ठीक है जी। तो इसके अलावा जिन दोस्तों ने पसंद किया है ना सर, हफीज शाह एडवोकेट, एडवोकेट भी पसंद करते हैं, काशिफ मीर साहब ने मलेशिया से आप सबको सलाम भेजा है, सब कहो वालेकुम सलाम। अताउल्ला लक्की मरवत से जनाब उन्होंने हमें सलाम किया है, उन्होंने कहा जो इस शेर अफजल मरवत की ठुकाई हुई है ना, मजा आ गया, चस आ गई है, उसकी होनी चाहिए। और उन्होंने हमें बताया है कि मैं वो कह रहे थे कि मैं इनको जाती तौर पे जानता हूं, ये सिविल जज थे पहले, करप्शन के केस में निकाले गए। देखो इमरान खान को मिले भी तो कैसे मिले, करप्शन के केस में, ये जिसको फेंटी लगाई है ना सेनेटर अफनान ने, वो करप्शन के केस में निकला है और उसको जनाब निकाल दिया गया था। अब वो इमरान खान का वकील है और वो एक और इमरान खान का वकील है शुएब शाहीन साहब, उसको इसने कहा है शेर अफजल ने, शेर अफजल नहीं है ये बिल्ली अफजल है, शेर नहीं है ये बिल्ली अफजल मरवत, इसने कहा है कि वो जी गद्दार है, आपस में भी लड़ पड़े हैं। अच्छा जी, इसके अलावा आप अमानत अली दुबई से उन्होंने हमें मैसेज भेजा है, मुमताज अवान साहब हैं जी रावलपिंडी के, इनकी एक खास बात है, ये कहते हैं कि मैंने कई साल तक 10-12 साल तक नवाज शरीफ के वो बाल काटता रहा है। वैसे नवाज शरीफ के बाल भी इन्ने ही नहीं जितने मेरे, वो बाल काटता रहा है। मुमताज साहब आपको भी सलाम बहुत बड़ा है, आपके लीडर आ रहे हैं, दोबारा आ रहे हैं, तो आपको मौका मिलेगा इंशाल्लाह, मुलाकात हम हो सकता है इकट्ठी करें। तो इसके अलावा जनाब आसिम शाह एडवोकेट पेशावर से उन्होंने हमें सलाम भेजा है, खालिद मुगल साहब ने सांगड़ से सलाम भेजा है, राना कमर दुबई से वो कहते हैं सर जी हमें आपकी वीडियो में सबसे अच्छी चीज़ जो लगती है ना वो घूमती हुई चाय लगती है। कहते हैं हम राना बरादरी से हमारा ताल्लुक है, राना बरादरी कहते हैं जी चाय बड़ी पीते हैं, तो इसलिए कहते हैं पहले मैं आपका देखता था, फिर मेरे वाले साहब देखने लगे, हमारी पूरी फैमिली आपको देखती है और शुरू से देखती है। चलें जी, और इसके अलावा अमजद अली साहब बर्मिंगम से, अमजद अली क्लच वाले, इन्होंने भी जनाब हमें बहुत प्यार दिया है, मोहब्बत दी है, इनको मेरे मोबाइल का पता चला है कि जनाब मोबाइल ख़राब हुआ है, तो इन्होंने कहा जी कि मैं आपको मोबाइल भेजता हूँ, एप्पल का नया मोबाइल भेजता हूँ, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक आदमी ने कहा सर जी तुम 60,000 मोबाइल तो लाते हैं, 60,000 का नवा ले आना सी, और मैं आखा सर नवा तो ले आना सी, हूँ कितने 60,000 के, महंगाई का दौर है, ये पुराना मेरा 2 साल पुराना सेट है, 2 लाख का तो ये मैंने तब लिया था, इस वास्ते ये असी वो पैनल पवाया है, ठीक है सर। ये बात है सियासी। अब आए जनाब इमरान, कितना बदकिस्मत है यार, कसम से सगी औलाद उसको मिलने के लिए नहीं आई, 2 महीने हो गए हैं ना, औलाद बेटी भी नहीं आई, बेटे भी नहीं आए, या अल्लाह एडा बदकिस्मत इंसान दुनिया के ना सन बड़ा, दुनियादारी की उसने चीजें ली हैं लेकिन उसको रियल मोहब्बत कहीं से भी नहीं मिली। मैं आपको ये बता दूं, मुराद सही से भी नहीं मिली होगी रियल मोहब्बत, सब मतलबी दोस्त इसके इकट्ठे हुए हैं जो इसको छोड़ गए हैं, परवेज खट्टक, महमूद खान, फवाद चौधरी, ये सारे मतलबी, और वो समझता रहा कि शायद मैं बहुत बड़ा कोई बन गया हूँ। अब आप कह रहे हैं कि जनाब उसके साथ भुट्टो वाला सलूक होने लगा है, बहरहाल बदकिस्मत है, बदकिस्मत है, जफर के 2 गज जमीन न मिली कुए यार में, वो एक शेर है ना उसका, ठीक है जी। और दूसरा जनाब कह रहे हैं कि साइफर में इमरान नको नक तक फंस गए, सजाए मौत है, सजाए मौत,
सजाए मौत है, सजाए मौत ये जेन में रख ले। और उसके गवाह उन्होंने पूरे ऐसे बनाए हैं, कड़ियां मिलती हैं कि एक ने साइफर लिया, उसने वसूल किया, उसने आगे डिवीजन को भेजा, डिवीजन ने फलाने को भेजा, उसने आजम खान को भेजा, आजम ने इमरान को भेजा, पूरी कड़ियां मिलाई। आजम खान उसका स्टार विटनेस है और उसका अदालती बयान हो चुका है। एक बयान होता है 161 का पुलिस के सामने, एक बयान होता है मजिस्ट्रेट के सामने, अदालत के सामने, उससे कोई नहीं मुकर सकता। पुलिस वाले बयान से भले आप मुकर जाएं, आप मुकर सकते हैं, वो होता है 161 का। जो अदालत में बयान होता है ना 164 का, वो उससे आप कभी भी नहीं मुकर सकते। अगर मुकरेंगे तो वो कहते ना मुलजम बाहर थे मुदई अंदर, फिर उसको अंदर किया जाता है। ठीक है, ये वाला बयान है। बाकी जनाब नवाज शरीफ के हवाले से कह रहे हैं कि उन्होंने ये तय किया है कि असी जनाब एस्टेब्लिशमेंट के नाल टक्कर नहीं लानी, हमने मईशत की तरफ जाना है, हमने माफी की तरफ जाना है। क्या ये वाला बयानिया ठीक है सर? इस बयानिए का मतलब ये है कि फैज हमीद का नाम नहीं लेना, कमर जवेद बाजवा का नाम नहीं लेना, वो पनामा वाले जजों का नाम नहीं लेना, साकिब निसार का नाम नहीं लेना और आसिफ सईद खोसा का नाम नहीं लेना। ये लंदन में तय हो गया है, इसकी खबरें आ गई हैं। इसके ऊपर आप तबसरा करें कि ये ठीक है कि नहीं है, और आप घूमती चाय में आप एक नज़म सुने और एंजॉय करें, आप बहुत एंजॉय करें। और दूसरा आपको ये बता दूं कि ये रात जागने की रात है, आप मुझे फ़ोन करें 03004725752, तो मैं आपके लिए आज जाग रहा हूँ, एक और चाय का कप पीऊँगा। तो ये रात जगह हमने जो पहले शुरू किया था ना ओवरसीज वालों के, खास तौर पे पाकिस्तानी मुझे फ़ोन करते हैं, वो तो दिन में कर सकते हैं ना। अब इस वक्त अमेरिका में दिन है, यूके में दिन है, यूरोप में दिन है, तो उनके लिए खास तौर पे है कि वो इस नंबर पे कॉल करके मेरे नाल हेलो हाय कर सकते ने। ठीक है, तो नज़म सर ये है जो मैंने वहाँ आलमी मुशायरे में सुनाई थी, जो नहीं करना था वो मैंने काम कर दिया, जो नहीं करना था वो मैंने काम कर दिया, ये दिल मैंने आज तेरे नाम कर दिया। जो नहीं करना था वो मैंने काम कर दिया, ये दिल मैंने आज तेरे नाम कर दिया। पहले बहुत अमीर था पर अब नहीं, पहले बहुत अमीर था पर अब नहीं हूं, ये गाड़ी कोठी बंगला तेरे नाम कर दिया। हाय हाय हाय, तूने ये क्या गजब किया, मैं समझ ही ना सका, मेरे ही घर में तूने मुझे मेहमान कर दिया। जब सब कुछ दे दिया तो मेहमान हो गया ना। तूने ये क्या गजब किया, मैं समझ ही ना सका, मेरे ही घर में तूने मुझे मेहमान कर दिया। और किस्सा बहुत तवील था मेरी हयात का, किस्सा बहुत तवील था मेरी हयात का, तूने तो चाय की प्याली पर अंजाम कर दिया। और जो रात जो काम मैंने करना था आधी रात को, जो काम मैंने करना था आधी रात को, वो काम मैंने आज सरे शाम कर दिया। थैंक यू। बताएं कैसी लगी है जी ये नज़म, और हफ्ते के हफ्ते आपको मैं ऐसी एक अपनी नज़म सुनाया करूंगा। और आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा अपना नाम भेजें, ख़ास तौर पे हफ्ते वाले दिन फरमाइशी प्रोग्राम होता है, आप ज़रूर भेजा करें। और आप हमारे प्रोग्राम में क्या चीज़ पसंद करते हैं, क्या नहीं करते, ये भी बताएं ना। और इसके बाद जनाब अली चैनल आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, हमारे 1,71,000 माशाल्लाह कहो हो गए हैं, और ये बहुत बड़ा फिगर है। जो मुझे अब तो टीवी वाले भी दावतें दे रहे हैं कि जी साढ़े चैनल पे आओ ये वो, लेकिन अभी मैं अवॉइड कर रहा हूँ कि नहीं, अपना चैनल अपना ही होता है, असी दिल दी बढ़ा से थे काट सकते हैं। जो कौमी टीवी चैनल पे जाओ ना, जियो पे, दुनिया पे, समा पे, इन चैनल पे, वो फिर पॉलिसी लिख के देते हैं कि सर वकील साहब ए बोलना है, ठीक है, तो वहाँ फिर शायद मज़ा ना आए, इसलिए अभी मैं उनकी दावत कबूल नहीं कर रहा। तो अगर तुसी मशवरा दोगे तो असी दावत कबूल कर लांगे। ठीक है,
खुदा हाफिज, मैं जाग रहा हूँ। मैं वो कहते हैं ना, इमरान खान कहता है मैं डूब रहा हूँ, अभी डूबा तो नहीं हूँ। साहिल पे खड़े हो, तुम्हें क्या गम है, जाना चले जाना, मैं डूब रहा हूँ अभी डूबा तो नहीं।